विधानसभा का बजट सत्र 27 जून से आहूत होगा। इस बार भी बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने सत्तापक्ष को कर्ज माफी, लॉ एंड ऑर्डर, पेयजल के मुद्दों पर घेरने की तैयारी की है। इस बीच सरकार ने अपनी रणनीति के तहत सत्तापक्ष के विधायक दल की बैठक बुधवार शाम बुलाई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में यह बैठक 8 सिविल लाइन्स में होगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बजट से सत्र पर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि विधानसभा में सरकार जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा में जो वादे किए थे उन्हें हर संभव पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। पायलट ने विपक्ष के हमलों के सवाल पर कहा कि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष कोई सकारात्मक पक्ष लेकर आ गया है, वो अपनी बात विधानसभा में रखेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तैयार है 27 तारीख को जब ये बजट सत्र चालू होगा, जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। हमारी सरकार ने जो काम किया है पिछले 5-6 महीने में उस पर अपना स्टैंड हम क्लियर करेंगे। और मैं तो आमंत्रित करता हूँ विपक्ष के सभी साथियों को, जो भी जनहित से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाएँ, प्रोसीजर के थ्रू उठाएँ। और वो सदन बना ही इसलिए है कि जनता की जो आवाज़ है, जो पब्लिक की डिमांड्स हैं, उस पर चर्चा हो, संवाद हो, डिबेट हो, नए कानून बने, रिफॉर्म्स हों। और मुझे लगता है कि अच्छे स्वरूप में हमारा सत्र चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट का सत्र है।